हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं। पहली बार हमारे मध्य प्रदेश से नियमित शिक्षकों की भर्ती हो रही है, इससे रिलेटेड बुक्स मैंने अपने फेसबुक पेज @AtulKumarSharma09 पर पोस्ट कर दी है। यहां पर शेयर की अमेजोन की लिंक पोस्ट की है, वर्ग 3 की बुक, सी टेट की बुक्स, MPPSC वो सफलता के बहुत करीब आपको ले जाती है। तो दोस्तों, जो आप कमेंट करते हैं उनसे ही बनता है मेरा अगला वीडियो। और आज का जो वीडियो है वर्ग 3 के लिए खास होने वाला है कि पाठ्यक्रम के अनुसार आप कैसे तैयारी करें। बहुत से भाई बहन ये पूछ रहे हैं कि सर पहला कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कैसे हम तैयारी करें। तो सारा मैं आज लेकर आया हूं और हम तुलना करेंगे 2011 के जो एग्जाम हुए थे वर्ग 3 के और अब 2020 में जो नए पाठ्यक्रम अनुसार आपके एग्जाम हो रहे हैं उसमें कितना डिफरेंस है, कैसे आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों, पाठ्यक्रम की बात करें तो जैसे कि आपको मालूम है कि आपका जो बाल विकास है वो 30 नंबर का आएगा, प्रथम लैंग्वेज और द्वितीय लैंग्वेज 30-30 नंबर की आएंगे, आपके मैथमेटिक्स 30 नंबर का आएगा और आपका पर्यावरण 30 नंबर का आएगा। टोटल आपका 150 नंबर हो जाते हैं दोस्तों। और हम यदि बात करें कि आपको पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हमें पहले ये देखना होगा कि कौन से सब्जेक्ट का पोर्शन ज्यादा है। यानी कि आपको मैं बताऊं कि आपका जो बाल विकास है वो करीबन 85 नंबर का है, 85 नंबर का। अब आपके मन में एक कंफ्यूजन आ जाएगा कि सर बाल विकास तो 30 नंबर का है, फिर आप उसे 85 नंबर का यानी कि 85 नंबर का क्यों बता रहे हो। देखें दोस्तों, सबसे पहले हम बाल विकास की बात करते हैं, वो आएगा आपका 30 नंबर का। अब बात करते हैं हम मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स को दो भागों में बांटा गया है, 15 नंबर का आपका मैथ आएगा और 15 नंबर का उसका बाल विकास आएगा, यानी कि चाइल्ड पेडागोजी मैथमेटिक्स के अंतर्गत। तो यहां पर आपके 15 नंबर का क्या हो गया, बाल विकास। वही हम बात करें आपके पर्यावरण की, पर्यावरण का जो पेपर होगा वो होगा आपके 30 नंबर का, लेकिन 20 नंबर का पर्यावरण आएगा और 10 नंबर का बाल विकास आएगा पर्यावरण से संबंधित। तो ये भी आपके बाल विकास का हिस्सा हो गया। इसके बाद हम बात करें आपकी प्रथम लैंग्वेज और द्वितीय लैंग्वेज। प्रथम लैंग्वेज और द्वितीय लैंग्वेज में आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो 15 नंबर के आपकी उस लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और 15 नंबर आएगी आपकी पेडागोजी यानी कि बाल विकास। और यदि दोनों के ही बाल विकास देखे जाए प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा में, तो दोनों में 15-15 नंबर का बाल विकास आएगा। तो कुल मिलाकर दोनों में कितने नंबर का बाल विकास आया, 30 नंबर का। अब आप इसे जोड़ लें कि मैथमेटिक्स का 15 नंबर का बाल विकास, पर्यावरण का 10 नंबर का बाल विकास, प्रथम लैंग्वेज और द्वितीय लैंग्वेज में 15-15 नंबर का बाल विकास और अलग से बाल विकास का पूरा पोर्शन 30 नंबर का। यदि आप टोटल उसे जोड़ते हैं तो वो हो जाता है 85 यानी कि 85 नंबर का बाल विकास। तो सबसे ज्यादा जो पोर्शन है वो है आपका बाल विकास का, तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। यहां पर विशेष ध्यान देना मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको मालूम है वर्ग एक और वर्ग दो का हम यहां पर उदाहरण ले सकते हैं। वर्ग एक या वर्ग दो जो भी आप मार्कशीट देखोगे या उनसे आप पूछोगे या आपने स्वयं एग्जाम दिए, आपको मालूम है कि बाल विकास कितना टफ आया था। टफ क्यों आया था, क्योंकि व्यवहारिक रूप में पूछ लिया गया था। यदि वो रटने के रूप में पूछा जाता कि किसी वैज्ञानिक ने क्या पद्धति बताई है, किसी वैज्ञानिक ने ये क्या खोज की है, ये परिभाषा किस वैज्ञानिक की है, तो हम उसे रट के हल कर सकते थे। लेकिन यहां पर आपसे पूछ लिया गया व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकली रूप में, तो बाल विकास रटने की अपेक्षा यदि उसे आप समझोगे तो डेफिनेटली इसमें बेस्ट स्कोर कर सकते हो। और ये भूल हुई थी वर्ग दो में। वर्ग दो में अक्सर लोगों ने रट कर गए थे, बहुत से लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो भी उन्हें नोट्स बताए गए थे उन्हें पूरा रट लिया था लेकिन समझा नहीं था और उनके बाल विकास में नंबर कम आए। वर्ग दो में सबसे ज्यादा जो नंबर कम आए हैं यदि हम देखें तो वो बाल विकास में ही आए हैं, जो उनके सब्जेक्ट थे उसमें वो अच्छा स्कोर कर गए। फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में बेस्ट स्कोर किया 25 से लेके 30 नंबर, यानी कि 30 नंबर आई थी फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज, उसमें से 25 से लेके 30 नंबर हर कोई ने स्कोर किया ही है। लेकिन बाल विकास की बात करें वहां पर तो 10 नंबर से लेके और 15 तक ही स्कोर गया है, 15 से ऊपर बहुत कम लोग पहुंच पाए हैं, क्योंकि गहराई के साथ पूछ लिया गया। अब यहां पर हम बात करते हैं 2011 के बाल विकास की और आपके 2020 के बाल विकास में क्या अंतर है, क्योंकि वर्ग एक और वर्ग दो के एग्जाम उस समय भी हुए थे, वर्ग तीन के भी हुए थे और सेम एग्जाम अभी भी हो रहे हैं, वर्ग एक और वर्ग दो के हो चुके हैं, वर्ग तीन के होने वाले हैं। 2011 की बात करें तो वहां पर बीएड डीएड कंपलसरी नहीं था जब आपके एग्जाम लिए गए दोस्तों।
और जब बीएड डीएड कंपलसरी नहीं था तो जो बाल विकास का डिजाइन किया गया, जो पेडागोजी पूछी गई थी वर्ग तीन में, वो उस लेवल की पूछी गई थी कि जिन्होंने बाल विकास में या बीएड डीएड धारी नहीं है वो भी उसे आसानी से समझ सकें और हल कर सकें। यानी कि बाल विकास बहुत ही साधारण आया था, नॉर्मल आया था। यदि आपने बीएड डीएड नहीं भी किया है तब भी आप तर्क के आधार पर उसे हल कर सकते थे, आया व्यवहारिक ही रूप में था, लेकिन उसमें इतनी सरलता दी गई थी कि उसे आप आराम से हल कर सकते थे अपने तार्किक क्षमता पर। लेकिन 2020 में आपको मालूम है 2019-20 में कि बीएड डीएड कंपलसरी है, डीएलएड कंपलसरी है, तो उन्हें पता है कि जो भी एग्जाम में बैठ रहा है वो ट्रेंड टीचर है। तो अब उसके जो क्वेश्चन होंगे उसी लेवल के होंगे, यानी गहराई के साथ पूछे जाएंगे। आप तार्किक रूप से भी यदि देखना चाहोगे तो चारों ही ऑप्शन आपको एक से ही लगेंगे, जब तक कि आप उस वैज्ञानिक के रूप में पूछा गया कि इस वैज्ञानिक ने यह परिभाषा दी है, इसके अंतर्गत इसके क्या मायने होते हैं, जब तक आप उसके मूड ना पकड़ लो कि वो किस प्रवृत्ति का इंसान था, वो वैज्ञानिक की सोच कैसी थी, वो आप ना समझ लो उसका आंसर नहीं दे पाओगे। ये बाल विकास में डिफरेंस है 2011 का बाल विकास और 2020 के बाल विकास में। इसलिए वर्ग दो में बाल विकास में अच्छे खासे लोगों के नंबर कट गए थे, जो कि आपको वर्ग तीन में नहीं करना है। यानी कि आपका बाल विकास 85 नंबर का है, उसमें यदि आप रटने जाओगे तो काफी कुछ रटना पड़ेगा, और जो परिभाषाएं हैं, जो सन दिए गए हैं वैज्ञानिक की खोज के, या फिर जो भी आपके पाठ्यक्रम अनुसार बताया गया, जहां पर रटने की आवश्यकता है डेफिनेटली आप रटोगे कि आपके जो परिभाषाएं दी गई वो किस वैज्ञानिक ने दी है, तो वहां पर तो याद करना ही होगा। लेकिन अधिकतर आपका फोकस होना चाहिए बाल विकास के व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकली रूप में, कि इसे आप कैसे पढ़ते हैं, इसमें आप अपनी समझ को कैसे विकसित करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं इसके, जिन्हें मैं आपको डेफिनेटली आगे चल के वीडियो में जरूर बताऊंगा कि बाल विकास में कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं और किस हिसाब से डिफरेंस होता है। लेकिन यहाँ पर आज का जो वीडियो है सभी सब्जेक्ट को लेकर है, तो मैं बाल विकास के ऊपर इतना ही कहूंगा दोस्तों कि आप रटने की अपेक्षा यदि समझने का प्रयास करेंगे व्यवहारिक रूप में, जैसे कि वर्ग दो में व्यवहारिकता में ज्यादा पूछा गया था, प्रैक्टिकली नॉलेज ज्यादा पूछी गई थी, तो आप वर्ग तीन में भी बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। 85 नंबर में से आप जितने अच्छा स्कोर करोगे बाल विकास में उतना ही आपको लाभप्रद होगा। अब हम बात करते हैं और सब्जेक्ट की, जैसे कि आपका मैथ हो गया, मैथ 15 नंबर का आएगा, 15 नंबर का बाल विकास आएगा, ठीक है, 30 में से। तो 15 नंबर की हम मैथ की बात करें तो मैथ आपको मांगता है प्रैक्टिस, मैथ आपको प्रैक्टिस मांगता है। यदि आप डेली 1 घंटे या 2 घंटे मैथमेटिक्स के लिए निकालते हो तभी आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। यदि नहीं निकाल पाए और आपने सोचा कि 4 दिन में सिर्फ 1 दिन या 15 मिनट या 20 मिनट मैथमेटिक्स को दे दें, तो वो आपको नहीं आना समझ में। ये ध्यान रखना दोस्तों, मैथ या तो सरल होता है या कठिन होता है। सरल उनके लिए होता है जो डेली मैथ की प्रैक्टिस करते हैं, कठिन उनके लिए होता है जो प्रैक्टिस पर फोकस न करके मैथ को एक सब्जेक्ट के रूप में मानकर उसे 1 या 2 दिन में 15 या 20 मिनट ही देते हैं, इससे ज्यादा नहीं देते हैं। मैथ उनका अच्छा होता है जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं मैथ से, तो मैथ के आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको समझ में आने लगते हैं। और मैथ एक ऐसा ही है दोस्तों कि आपको किसी अनजानी सिटी में भेज दिया जाए, अब उस सिटी की हजारों गलियां हैं और आपके काम की गलियां कितनी हैं, जितने में आपको जाना है, 10 या 15। 15 गलियों को आप कैसे पहचानोगे, यदि आपको एक बार 15 गलियों में घुमा भी दिया जाए और फिर 10 दिन बाद फिर उन गलियों में ले दिया जाए तो आप भूलने शुरू हो जाओगे। और यदि आप उन्हीं गलियों से डेली जा रहे हो, 10 गलियों में, 15 गलियों में, 25 गलियों में, तो आपको उनके एक एक घर याद हो जाएंगे, उनके घर के सदस्य कौन है वो भी याद हो जाएंगे, सब कुछ याद हो जाएगा। मैथ ऐसा ही होता है, हर संख्या से आपको फ्रेंडली होना पड़ता है, हर जो क्वेश्चन होता है उसे आपको देखना होता है, क्योंकि क्वेश्चन जितना आपको सरल दिखता है हो सकता है कि वो कुछ अलग ही पूछ रहे हो और आप आंसर कुछ अलग दे के आ जाओ, इससे आप नुकसान उठा जाओगे। तो मैथ मीन्स डेली प्रैक्टिस करनी है मैथमेटिक्स का, और मैथ यानी कि आपको उसको समय देना ही देना है। जहां बात करें हम आपके पर्यावरण की दोस्तों, तो पर्यावरण हमारे आसपास का एनवायरनमेंट की ही बात पूछी जाती है और वो आपको याद करना होगा। जहां रटने की आवश्यकता है डेफिनेटली वहां रटना ही होगा, है ना, कि पानी की प्रदूषण क्या है,
वायु प्रदूषण क्या, ऐसे मैंने आपको अलग अलग जो पाठ्यक्रम है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो डाला हुआ है, कैसे आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, चाहे हम फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज की बात करें, बाल विकास की बात करें, पर्यावरण की बात करें, अलग अलग सिलेबस डाली हुई है मैंने, आप उसे भी देख सकते हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों आपका पर्यावरण या एनवायरनमेंट को जहां पर हमें रटने की आवश्यकता होती है डेफिनेटली रटनी पड़ेगी, और जहां पर समझ की आवश्यकता होती है बहुत चीज हमें समझनी पड़ेगी। समझ के हम यदि पढ़ते हैं तो समय कम लगता है, रटने में समय ज्यादा लगता है, और रटी हुई चीजें भूलने का भी एक ऑप्शन रहता है कि कभी कभी हम कंफ्यूजन में भी चले जाते हैं कि इसका ए ऑप्शन भी हमें सही लग रहा है, बी भी लग रहा है, तो ये कंफ्यूजन भी रटने पर पैदा हो जाता है, जबकि हमने समझा हुआ है अच्छे से तो फिर वो हमारे काम में आता है। अब इसके बाद हम मैथमेटिक्स हो गया, आपका बाल विकास हो गया, और आपका पर्यावरण हो गया, इन तीनों का मैंने आपको विश्लेषण कर दिया है। अब बात करते हैं प्रथम लैंग्वेज और द्वितीय लैंग्वेज की तैयारी कैसे करें। दोस्तों इसमें आपको ज्यादा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, उर्दू की, संस्कृत की, तो उसमें गद्यांश और पद्यांश दिए जाएंगे, थोड़ी आपको लैंग्वेज की ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, वहां पर आप फंस सकते हो। तो ग्रामर जो होती है उसकी नेक पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए, बस और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें अनसीन दिए जाएंगे। हिंदी की बात करें तो आपके पद और गद्य दिए जाएंगे, संस्कृत में नाटक वगैरह दिए जाएंगे, कथा वगैरह, तो ये हम उर्दू, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश की बात करें तो पेडागोजी तो सभी की सेम है, और इनके जो व्याकरण होती है, जो ग्रामर होती है, उस पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, और उसी में से आंसर देखकर आपको देना है। तो इसकी आपको विशेष तैयारी करने की आवश्यकता इतनी है नहीं है, सिर्फ आपको एक फोकस करना है कि उनकी जो पेडागोजी है उस पर फोकस करना, उसे अच्छे से समझना है, और दूसरा आपको क्या करना है, व्याकरण यानी कि ग्रामर पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो ये आपका जो सिलेबस है वो 2011 की अपेक्षा थोड़ा अलग है, तो हमारी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो पढ़ाई का तरीका होना चाहिए, जो समझने का तरीका होना चाहिए, वो भी 2011 से 2020 में अलग होना चाहिए। हमें तैयारी नए पाठ्यक्रम अनुसार जो 2020 में दिया गया है, जिसमें पेडागोजी आपकी 85 पर पहुंच रही है यदि आप अलग अलग करके उसे जोड़ते हैं, और फिर जो आपके और सब्जेक्ट हैं उनकी भी आप यदि अच्छे से तैयारी करते हैं, जैसे कि आपका पर्यावरण हो गया, मैथ हो गया, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज हो गई, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। तो आई थिंक कि मैंने आपके इन सवालों के जवाब दे दिए हैं कि आपको पहले क्या पढ़ना है। सबसे पहले बाल विकास को पढ़ना है, और बाल विकास के जो आपको याद करने वाली चीजें हैं, या मैं सरल भाषा में कहूं रटने वाली चीजें हैं, उन्हें छोड़कर आपको सिर्फ फोकस करना है व्यवहारिकता पे, जो कि प्रैक्टिकली नॉलेज होती है, और यदि उस पर आपने एक बार फोकस कर लिया, उस पर आपने एक बार पकड़ बना ली, तो 85 नंबर यानी कि 85 नंबर में से आप बेस्ट स्कोर करोगे, और यहीं से ही आपकी अच्छी रैंकिंग बनने की संभावना हो जाती है। यानी कि अच्छी रैंकिंग से मेरा मतलब है कि अच्छे नंबर लाने से, नहीं तो आप कहने लगो कि सर रैंकिंग शो होगी क्या, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ नंबर शो होंगे, तो वो जो नंबर शो होंगे उसमें बेस्ट नंबर आप ला सकते हो दोस्तों, यदि आप इस तरीके से तैयारी करते हो। आई थिंक कि आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि हमें पहले क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और किस सब्जेक्ट को कितना हमें समय देना है, क्योंकि टाइम आप उस सब्जेक्ट को ज्यादा दें जो कि आपको कठिन लगता है, और जो सब्जेक्ट आपको सरल लगता है उसे आप टाइम कम भी देंगे तब भी वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो में लाता रहता हूं। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।